अभी हम थक चुके हैं, लेकिन हम नहीं थके हैं, हालांकि हम सोए भी नहीं हैं। हमीद भाई और नईम भाई थक गए हैं, हमारे दोनों लड़के। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया। और असीजा जो है ये हाँ, ये सारी रास होता रहा है, सोने के लिए होती है और जागने के लिए होती है। ठीक है ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं। और वो गाड़ी लगा रहे हैं और आप नज़ारे चेक करें। ये बस छोटा सा स्पॉट है, कोई बस हाँ, ये छोटा स्पॉट है। ये इसमें जो है ना, ये आबशार है, पानी आ रहा है, बड़ा बर्फ़ जो पिघलती है ना ग्लेशियर से, और ये जो सारी बर्फ़ पड़ती है जो पिघलती है, ये वही आबशार आ रही है। ठंडा पानी है, मज़ेदार किस्म का पानी है। बैठते हैं थोड़ी देर वहाँ पे। भाई जान, हम जा रहे हैं कवई आबशार के। तो भाई आबशार है ना, जो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ बैठने का। तो बैठते हैं, जाके देखते हैं क्या सोचे हाल है। हमने ड्रोन का जो शॉट तो लिया है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने ग्रीन कपड़ा बांधा हुआ है धूप की वजह से, तो इसलिए जैसा भी शॉट आया हमने लिया ज़रूर है। लड़के नहीं भाई, नहीं भाई, ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली जगह पे हैं। ये देखें नाज़रीन, बड़ा मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना ये नज़ारे हैं। और यहाँ बैठ के जो मज़ा आता है ना, वो बहुत ही अलग किस्म का मज़ा आता है। और ये बहुत बड़ी, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग यहाँ इंजॉय करने आए हैं, ये बहुत बड़ी आशार है। ये कहीं लकड़ी के फटे हैं, इससे भी करके जाना है अपनी ज़िम्मेदारी पे। और जो यहाँ पे माहौल है ना जी, वो बड़ा मज़ेदार किस्म का है, तबीयत खुश कर देने वाला माहौल है जी यहाँ पे। ये ऐसा अब पानी छाटे मारता हुआ ये पानी जो है ना आ रहा है आबशार का, और ठंडा पानी है, और मज़ेदार किस्म की जो है ना यहाँ पे बैठने के लिए जो है ना, वो एक अच्छी आप कह लें कि हवा ऐसी है, ठंडी हवा चल रही है। और हम अपने बैठने का पॉइंट डिसाइड करते हैं। हमने डिसाइड किया है ये वाला पॉइंट। ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल है जी, ये बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब। ये पानी के अंदर पैर डाल के और जो है ना आप यहाँ पे बैठे हैं मज़े से, मौसम भी मज़ेदार है और पानी बहुत ही ठंडा और मज़ेदार पानी। देखिए नाज़रीन, मज़ा आएगा आपको अगर ऐसे जो है ना, देखें बोतलें ठंडे करने का तरीका, देखें बोतलें जो है ना मैंने ये पानी में रखी हैं, इसी से ये बिल्कुल फुल चिल हो जाती हैं। और पैर भगो के इसमें बैठने का जो मज़ा है ना, ज़बरदस्त। ऑक्सीजन और ये बैठे हुए हैं इस टाइम। कहाँ बैठा है भाई मेरा? तो भाई, आज मुझे पता है। तो कैसा लगा ये कवई का आबशार स्पॉट? मजा आ गया। ये
भाई अभी हम थक गए हैं, आराम कर रहे हैं यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में पांव भिगो के बैठने का अपना मजा है। और उसके साथ जो है ये असीजा ने मंगाए हैं पकौड़े। लाओ भाई जरा पकौड़े खिलाओ जरा। असीजा खा रहा है पकौड़े और हम भी खा रहे हैं जी कवई की साबशार में आलू वाले पकौड़े। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हमने जुमा पढ़ा है कवई में और ये छोटे छोटे से दो बच्चे हैं, इन्होंने हमें हिफ्ज़ कर रहे हैं। दो बच्चे हाफिज बन रहे हैं, हाफिज़े कुरान बन रहे हैं और इन दो बच्चों ने सारे बच्चे नहीं ये दो कर रहे हैं। ये बच्चा सूरतुल कदर सुनाएगा, ये बच्चा सूरतुल कदर सुनाएगा और फिर हम इसको गिफ्ट देंगे। चलो बेटे। हाँ भाई सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سورة القدر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر कैसा लगा? अच्छा लगा। और कौन सा बच्चा है, किसने सुनाया था? यार वो ग्रीन शर्ट वाले बच्चे को बुलाया, उसके साइज की होगी। इधर आओ। काले कपड़े वाले ने भी आई है। ये आपको सूरत आपको ये बताओ फजर की नमाज में कितनी रकात होती है? फजर की नमाज में हाँ चार। लो जी बच्चे ने। और कौन कौन सी? दो फर्ज, दो सुन, दो सुन्नत मुकदा। मेरे बच्चे ने जवाब दिया है नमाज के बारे में और ये नहीं आपको एक शर्ट दिखती है बी एफ जी की। सर कैसा लगा? कर दो भाई। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? चलते हैं अभी, शोगरा थके हुए यार। ये कर क्या रहे हैं वैसे आप? ऐसे ही बच्चों को शर्टें बांट रहे हैं। नहीं नाज़रीन, हम जो है वो रात के निकले हुए और अब जाके हम कवई में, हमने जुम्मा पढ़ा है और आज जुमे का दिन है, हमने कवई में जुम्मा पढ़ा है। अब जुम्मा पढ़ के हम कवई से जा रहे हैं शोगरा और कवई से जो शोगरा का डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है और आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। मज़ीद अभी हम आपको रोड कंडीशन बताते हैं कवई से शोगरा की, जो रोड कंडीशन है ये आपको बताते हैं। हाँ जी शोगरा में जी हम एंटर हो गए हैं और 8 किलोमीटर है जी यहाँ से शोगरा। और सीजा भाई जो है हमारे वो मजे में है। चेक करें जी नाज़रीन, व्यूज चेक करें कैसे कैसे आउट क्लास व्यूज है। मौसम कमाल का हो रहा है अभी, देखें आगे और 8 किलोमीटर है, देखना आप में कितना मजेदार मौसम होगा। शोगरा में मौसम बड़ा मजेदार होगा। देखें ये जो रोड की कंडीशन है शोगरा की, जो रोड है ये बिल्कुल अभी तक तो जहाँ तक हम जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है और जो पैच अगर कोई ख़राब आएगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो वैसे तो गाड़ी पे जाने वाला जो है ना ये बिल्कुल ठीक है।
8 किलोमीटर का ट्रैक है आई थिंक, सो आगे भी ठीक होगा, लेकिन अभी हम चेक करते हैं मज़ीद। जैसे जैसे नाज़रीन हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे ये मौसम जो है और ये वेदर, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कह रहा था, और हमें भी ऐसा लगा कि शोग्रां का मौसम बहुत मज़ेदार होगा। अभी हम 2 से 2.5 किलोमीटर कवई से शोग्रां की तरफ गए हैं, तो वो रोड 2.5 किलोमीटर तक तकरीबन ठीक थी, और उसके आगे ये सारा जो पैच है अभी तक, अभी ये ख़राब है, अभी देखते हैं कितने किलोमीटर तक ये ख़राब है। और ये ऐसा ख़राब नहीं है कि इस पर गाड़ी नहीं चल सकती, इस पर आल्टो भी चल जाएगी, सिर्फ पत्थर वत्थर नहीं है, मतलब कि मिट्टी है सिर्फ अभी, यानी कि मिट्टी वगैरह जो है ना वो अभी इसमें कंक्रीट नहीं की गई। ये शोग्रां की रोड है और ये 8 किलोमीटर जो है ना वो चढ़ाई है, और इस चढ़ाई में जो है वो गाड़ी आपने आराम से चलानी है। ये रोड ये कई जगह से ख़राब है, ख़राब से मुराद के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, इस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और मेरा ख्याल है कि ये 1-2 महीने में बिल्कुल मज़ीद जो थोड़ा बहुत काम है वो भी हो जाएगा। शोग्रां तक जो है वो गाड़ी आप कोई से भी आल्टो पे भी आ सकते हैं। नहीं नाज़रीन, बस हम पहुँचने वाले हैं, कुछ 2 किलोमीटर रह गए। ले जी रोड ये जो है ना है थोड़ी सी, यानी कि ड्राइविंग आपको आती हो इस रोड पे आने के लिए, आपको ड्राइविंग जो है ना वो आती हो, ये नहीं है कि आप गए जी मैंने पहली दफ़ा चला रहा हूँ तो, और मैं यहाँ पे शोग्रां आ जाऊँ गाड़ी पे, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। जी हम पहुँच गए हैं शोग्रां, और यहाँ से शोग्रां जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो इस शोग्रां में स्टार्टिंग में जो पहला होटल है वो है जी ऑरेंज लॉफ्ट, और ऑरेंज कलर का ही इसका पेंट है, ये देखें जी ऑरेंज कलर का ही इसका पेंट है, और ऑरेंज लॉफ्ट पहला जो होटल है वो लेफ्ट हैंड पे ही आता है। अब ये तो हमें नहीं पता, हम तो आए जी शोग्रां फर्स्ट टाइम, अब राइट जाना है कि लेफ्ट ये अभी नहीं पता। सीधा भाई नहीं भाई ऊपर गए हैं पंजाब होटल कमरा देखने, आए चले कमरा देखने, ऐसे जो सीढ़ियों के हालात लग रहे हैं ना कमरा भी नहीं ठीक होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बांस बांधे हुए बांस। दो का 5500? दो ले लो, तीन ले लो। जी एक रूम का 5500 है, और उसमें कितने बेड हैं? यार हमें नहीं पसंद आया भाई जान, चलो आगे चले, फाइन होटल है। शोग्रां का बाजार है जी ये, और दुकानें शुकानें हैं यहाँ पे। ये जी पूरा बाजार है शोग्रां का, वैसे इसका खाना अच्छा होगा। किसका? ये खैबर कॉन्टिनेंटल वाले का। हाँ जो हालात लग रहे हैं तो वो अच्छा ही लग रहा होगा इसका ना। लाला
लालाजार चेक कर लेते हैं। लालाजार क्या क्या सबसे पुराना होटल है ये हर नॉर्दर्न एरियाज में इनकी ब्रांचेज हैं।